सिंहगढ़ हम लोग आ गए हैं। काफी गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, देखे यहाँ कि क्या होता है यहाँ पे। काफी सैलानी यहाँ लग रहे आते हैं, हमने भी अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। देखिए गुफा भी है यहाँ, पूरा सबसे टॉप ट्रेवल डेस्टिनेशन ऑफ पुणे। ये देखिए कई लोग नीचे से आ रहे हैं, कोई दूसरा भी रास्ता है क्या जाने का? ये कहाँ जा रहे हैं ये लोग? नीचे वो जो दिख रहा है, कहाँ वो सिटी दिख रहा है नीचे, ये वाला गांव। अच्छा तो वो दूसरा रास्ता है? हाँ, ट्रैकिंग का रोड। अच्छा ट्रैकिंग करने लोग जा रहे हैं। अच्छा ये देखिए पुणे का दरवाजा, लेकिन बहुत ऊंचे है ये, इतनी दूर पुणे के दरवाजे में कौन आएगा। ऊपर हम लोग चढ़ते जा रहे हैं, अभी पता नहीं आगे और क्या मिलेगा। ये देखिए यहाँ का एक क्रूड नक्शा भी एक बना हुआ है, कंटूर्स भी इसमें डिस्प्ले हैं, हाइट नहीं लेकिन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये वाला जो इलाका है यहाँ पे लगभग हम लोग हैं। हाइट ऐसे ऐसे बढ़ रही है, ये टावर भी एक लगा हुआ है। एक बोर्ड लगा है एसआई का, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। हम लोग को लग रहा है उधर जाना है। ये काफी ऊंचाई से पूना शहर तो दिख ही रहा है, और ये देखिए पूरा पूना शहर है। ये एक नदी भी ये दिख रही है, ये पता नहीं नदी है कि तालाब है क्या है कि बांध है। ಇದು ಅಪ್ನೇ ಇದಿರಲ್ಲ ಯಾರು ಜೊತೆಗ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮನೆ
हाथ मेले ये तो खाना है लग रहा है ये सामने। ये देखिए ये लग रहा है तोप खाना है। यहाँ पे तोप वोप रखा जाता था ऐसा लग रहा है। अभी तो फिलहाल खाली है, कुछ रेनोवेशन के काम भी लग रहा चल रहा है। देखिए रेस्टोरेशन कंजर्वेशन के लिए पुराने ही मटेरियल्स का यूज किया जाता था, इसलिए चूना उना यही घोर के फिर से बनाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे जीसीपी पॉइंट भी लग रहा लिया गया है सर्वेइंग के लिए। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ लग रहा है घोड़ याची पांगा है। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, देख के आते हैं जरा क्या है। कोई गुफा है लग रहा है। बहुत बढ़िया देखने वाली चीज है। पूरा पत्थरों को काट के रिहायशी के लिए बनाया गया है। ये स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट नहीं है, पत्थरों को इकट्ठा गया है। ये देखिए ऊपर लग रहा है सिंगड़ किला है, ऊपर नीचे रिहायशी सैनिकों वगैरह के लिए था। ऊपर किला है और क्या स्वरोजगार कुटीर दूरदर्शन मनोरा कल्याण दरवाजा उधर लिखा हुआ है। होटल भी बना है। ये देखिए मलाई कुल्फी मिल रहा है। मलाई कुल्फी कितने रुपए का अभी है? 10 रुपए 20 रुपए। लेकिन मलाई कुल्फी बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। ये देखिए बढ़िया पानी इकट्ठा करने का भी लग रहा जरिया यहाँ बना हुआ है। अभी तो काई है। नीचे नहीं।
सारी फैमिली यहाँ के आके लग रहा है पिकनिक मनाती हैं अपना। फैमिली भी एंजॉय करती है, स्टूडेंट्स भी आके थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं। ये देखिए थोड़ा बजरंग बली है इसमें जो थोड़ा सा लुढ़के हुए हैं लग रहा है, ऐसा थोड़ा टेढ़े हो गए हैं। ये किले के लग रहा प्राचीर में हम लोग आ गए हैं। बच्चे यहाँ आने के बाद थक जाते हैं ऐसा लग रहा है। अरे ये भी हल्के से तिरछे हैं, क्योंकि वो ट्रेंड है क्या बजरंगबली से तिरछे तिरछे का, या पत्थर ही को बना काट के? नहीं, पत्थर तो सीधा ही लग रहा है। ये रैम्पर्ट वॉल है लग रहा है किले का। उधर दूरदर्शन केंद्र है। आई सनाए जी, आप इस किले के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा है किला? थोड़ी देर हाँ, क्या हो गया? आप किले के बारे में कुछ कह रही थी सनाए जी। रुक जाइए, रुक के थोड़ा सांस ले लीजिए फिर बोलिए। हाँ आप बताइए, क्या बोल रही हैं आप? ये किला बहुत खराब है, इसने तो मेरे पैर थका दिए, दर्द कर दिए। दर्द कर दिए तो ये किला अच्छा नहीं है? नहीं। क्यों? नीचे चले कुछ काम नहीं है। नीचे क्या करेंगी आप जाके? सनाए जी चलिए, तो हम लोग जा रहे हैं। यहाँ बहुत बढ़िया बात यह है कि जगह जगह चटाई पड़ी हुई है, जिसको जो करना है चटाई पे करे अपना। इट इज ओपन टू ऑल है। सना वन विभाग विश्राम गृह।